जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के लौकरी परियामा गांव में एक महिला अपने 4 माह की बेटी की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगा ली। दोनों की मौत की जानकारी गुरुवार की सुबह परिजनों को हुई। घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने मां और बेटी की लाश को कब्जे में ले लिया। मायके वाले भी पहुंच गए थे। पति व ससुर जो मुंबई में हैं उन्हें घटना की सूचना दी गई। घटना के कारण को लेकर 2 अटकलें लगाई जा रही हैं। एक तो महिला पति के साथ मुंबई में रहना चाहती थी, दूसरा 3 बेटियों के पैदा होने के कारण हो सकता है कि ताना मारा गया हो। कारण जो भी हो लेकिन उसकी 2 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। सास व देवर भी हैरान थे। मछलीसार के सगरे बरई तारा गांव निवासी महबूब ने 10 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री फरीदा की शादी लौकरी परियामा गांव निवासी अब्दुल कादिर पुत्र सिखावत अली के साथ की थी। फरीदा की 3 पुत्रियां फिजा 9 वर्ष, साइना 7 वर्ष तथा 1 4 माह की मासूम बच्ची थी। पति अब्दुल कादिर व ससुर सिखावत अली मुंबई में एक साथ रहते हैं। घर पर फरीदा अपने 3 बेटियों व सास तथा देवर के साथ रहती थी। रोज की तरह बुधवार को भी खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया। रात में या भोर में ना जाने कब फरीदा ने अपनी 4 माह की बच्ची को मारा और खुद भी दुपट्टे से फांसी लगा ली। रोज की तरह गुरुवार को भी जब बहू न उठी तो सास व देवर दोनों उसके कमरे में जगाने के लिए गए। सास अली मुनीसा ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुला। काफ़ी परेशान होने के बाद पड़ोसी के किसी की मदद से दरवाज़ा खोला गया। अंदर का नज़ारा देख सास चिल्ला पड़ी। फरीदा की लाश फांसी पर लटकी हुई थी तो दूसरी तरफ 4 माह की अबोध बच्ची भी मरी पड़ी थी। लोगों ने कयास लगाया कि बच्ची को गला दबाकर मारने के बाद फरीदा ने खुद की जान दी। फरीदा का 18 वर्षीय देवर अफजल ने मायके व पुलिस को सूचना दी। सूचना पर प्रभारी लाइन बाजार रमेश यादव मौके पर पहुंच गए।